गुड आफ्टरनून, बताइए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 129 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नई एंट्री करनी हो तो क्या ये लेवल ठीक है या फिर रुके? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। सबसे पहले तो आपको, जी बिजनेस के पूरे टीम को और दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हिमाद्री केमिकल्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि सपोर्ट के बहुत ही नजदीक है और स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है। तो नया अगर किसी को एंट्री लेना है तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो यस, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, 126 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए। पहला जो टारगेट चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है करीबन 140 का और दूसरा टारगेट रहेगा 143 का। तो खरीदारी की है, स्टॉप लॉस 126 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, खरीद सकते हैं इस भाव पर, 126 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन आप बना सकते हैं। एक और सवाल आया को लेकर आगे की कंपनी की गाइडेंस प्लस बायबैक की खबर, आप इनके भाव से तो ऊपर है और ऐड करें इस लेवल पर या फिर जितनी होल्डिंग है उसी को रखें? दीपाली जी, अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि फिलहाल अभी नया ऐड पोजीशन नहीं करना चाहिए। अभी जो है डेफिनेटली होल्ड करें। अगर नई पोजीशन ऐड करनी है तो एक पर्टिकुलर लेवल है और वो जो लेवल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 720 रुपए का। 720 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक अच्छा रैली कम समय में देखने को मिल सकता है। तो ऐड करना है तो 720 के ऊपर ऐड करें, अभी फिलहाल होल्ड करें। स्टिक स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो रहेगा करीबन 677 का और नया एडिशन 720 के ऊपर करते हैं तो पहला लक्ष्य रहेगा 760 का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अपने मौजूदा निवेश को, नई एंट्री लेनी है तो ब्रेकआउट आने दीजिए जो कि 720 के ऊपर आएगा, और बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है।